गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास टेंथ के मैथ में एक निश्चित पड़ाव के पूरा करने के बाद आज फिर हम लोग उपस्थित हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर को समाप्त किया और आज हम लोग एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। वह नया चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना है। त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले जो शब्द आता है त्रिकोणमिति, इसको आप लोग समझिए। त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश वर्ड है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में तीन वर्ड से मिलकर यह शब्द बना है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन माने भुजा और मेट्रॉन मीन्स माप, मतलब तीन भुजाओं की माप का जहां अध्ययन किया जाए उसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। गणित का वह भाग जिसमें हम लोग भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहां पर जो पहली चीज आप लोगों को समझनी है इस चैप्टर में वह है त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस शब्द का बार बार पुनरावृत्ति इस चैप्टर में होता है। वह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। अनुपात का मतलब आप समझते हैं बटा में, यदि एक बटा दो कहीं लिखा रहता है तो उसको एक अनुपात दो भी कहा जा सकता है। तो जब भुजा का अनुपात होता है तो उसको जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। और कहां होता है यह, तो ध्यान दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत ही ध्यान से यह जो आज का क्लास है वो आप लोग समझिएगा और फेयर की कॉपी में उसको नोट भी कर लीजिएगा। आज का जो भी लिखा हुआ है उसको हम हर चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और उसका एक फेयर भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, जो आप किसी भी चैप्टर के अध्ययन के लिए वो जरूरी जानकारियां होती। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह समकोण त्रिभुज में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आगे चल के आप समझेंगे, जिसको विशेष नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो नाम आप लोग सुनते हैं या इस चैप्टर में हम लोग बार बार उसका उपयोग करेंगे, वह त्रिकोणमितीय अनुपात के विशेष नाम है। तो वह त्रिकोणमितीय अनुपात कहां लागू होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज में भी किस कोण के लिए होता है, तो न्यून कोण के लिए होता है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का है, जैसे कि आपका बी कोण यहां पर 90 डिग्री का दिखलाया गया है, और इसके जो दो न्यून कोण है ये आपका ए और सी है। ध्यान से देखिए, यहां पर समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 डिग्री का है, उसके बाद जो शेष दो कोण बचते हैं उसका माप 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात ए और सी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण है। इन दोनों न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात जो होगा, मतलब तीनों भुजा का उपयोग किया जाएगा लेकिन कोण केवल दो न्यून कोणों का उपयोग होगा, यह जो अनुपात होता है, किस चीज का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, किस चीज में, समकोण त्रिभुज में, किसके सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। पहली बात, वह त्रिभुज समकोण होनी चाहिए। दूसरे चीज कि त्रिकोणमितीय अनुपात वास्तव में भुजाओं का अनुपात है। और तीसरी चीज, वह न्यून कोण के सापेक्ष होता है, यानी 90 डिग्री के सापेक्ष नहीं होता है। तो ये सब बातें समझने के बाद अगली चीज जो इस चैप्टर में उपयोग होगी वह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं नीचे से, वह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका हम लोग थ्योरम भी जो है हम लोग प्रूफ किए हैं इसके पहले। तो यह जो संबंध है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस चीज को आप यहां पर समझेंगे कि कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस के लिए, कर्ण के लिए हम लोग यहां शॉर्ट में एच का उपयोग करेंगे। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हम पी शब्द का प्रयोग करेंगे, पी लेटर का प्रयोग करेंगे। और आधार यानी कि बेस, वह जो है उसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। तो यह जो संबंध है इससे यह तीन फॉर्मूला निकलता है,
जो आपको एकदम याद रखना है कि मतलब यह तीन जो भुजा है इसमें दो भुजा यदि आपको पता रहे तो तीसरी भुजा आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए यह तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे कि जब कर्व निकालना हो और लंब और आधार दिया रहे तो ये होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो और एच और बी दिया रहे तो ये होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कर्ण जो होती है वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए जो अन्य दो छोटी भुजा है उसको जोड़ना पड़ेगा, और लंब और आधार समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा है तो वो निकालने के लिए कर्ण में से जो शेष भुजा बचती है उसको घटाना पड़ेगा। जैसे पी निकालना है तो एच सबसे बड़ी भुजा है तो उसमें से एक ही बच गया बी, तो बी को घटाएंगे, और बी निकालना होगा तो सबसे बड़ी भुजा एच में से पी को घटाएंगे। इस तरह से इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो अभी ध्यान से आपको हम समझना है, यहां पर समकोण त्रिभुज में देखिए, यहां पे यह समकोण त्रिभुज में यह जो आपका 90 डिग्री का कोण है वह यहां पर रहे या ऊपर रहे या नीचे रहे, उसके ठीक सामने की भुजा को एच यानी कि कर्ण कहा जाता है, जिसको हम लोग एच से व्यक्त करते हैं। यहां पर ध्यान से समझिए, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में वह फिक्स्ड होता है, मतलब वह नहीं बदलता है। कर्ण कौन होता है इसकी पहचान समझिए कि कर्ण कौन होता है, यह पहचान होगी 90 डिग्री के कोण से। जहां समकोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होगी, और वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, और वह फिक्स्ड होगा, मतलब कर्ण नहीं बदलता है। इसका अर्थ है कि लंब और आधार फिक्स्ड नहीं है, वो बदल जाएगा। किसके सापेक्ष बदलेगा? कोण के सापेक्ष, जो हम अभी पढ़े कि ए और सी जो है न्यून कोण है, इसके सापेक्ष लंब और आधार बदल जाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, यहां जो सी कोण की जब बात आएगी तो सी के ठीक सामने की जो भुजा होगी वह आपका लंब होगा, ये पी, और इस कोण की बात होगी तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, तो कर्ण फिक्स्ड है, पी पता चल गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान से समझिए, क्योंकि पी और बी बदलेंगे। अब देखिए, यदि इसी में आपको न्यून कोण ए से यदि आपको सापेक्ष आपको निकालना हो तो इस कोण के सापेक्ष यदि निकालना होगा तो इसके सामने की भुजा अब ये पी हो जाएगा, ये आपका लंब होगा, और एच फिक्स्ड है तो बी अब यहां पर हो गया। तो ध्यान से देखिए, यदि इस कोण की बात होगी तब लंब ये होगा और ये आधार होगा, और ए न्यून कोण की बात होगी तो इसके सामने की भुजा ये नीचे वाला लंब हो जाएगा और जो बच गया वो आधार होगा। तो आप कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज के समकोण वाले कोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। जिस कोण को ज्ञात करना है यानी थीटा जो दिया रहेगा, मान लिया जाए इसी को थीटा भी बोला जा सकता है, तो ये थीटा जो कोण जिसका ज्ञात करना है उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और जो बच गया शेष वह आधार कहलाएगी। तो ये आप पहले समझ लेंगे कि लंब आधार कोण की पहचान, लंब और आधार और कर्ण इसकी पहचान आपको अच्छी तरह से हो जाए। जब ये पहचान आपको हो जाएगा तो इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, जिसको याद करना है, जिसको बहुत दिनों से आप सुन रहे थे, आज पहली बार उससे परिचय हो रहा है। ये है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, यह त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, और यह अनुपात को एक विशेष नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पी बटे एच है, जिसको आप क्या कहेंगे, लंब बटा कर्ण। हमने बताया पी लंब को सूचित करता है, एच कर्ण को सूचित करता है, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में उसका नाम साइन थीटा है। उसी तरह से जो आधार और कर्ण का अनुपात है उसको कॉस थीटा से सूचित करते हैं, और लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा से सूचित करते हैं। अब ठीक ये आप इसके सामने लिख के फॉर्मूला याद कीजिएगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब साइन का फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा और ये आपको पता रहेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यह लंब बटे कर्ण होगा, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा।
फिर ये आप ध्यान रखिएगा कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला यदि b बटा h है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उल्टा होगा। फिर tan थीटा का फॉर्मूला p by b है और tan का उल्टा cot है, तो ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी को फुल फॉर्म यदि कहा जाए, ये शॉर्ट में साइन लिखा जाता है, cos tan लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म है साइन, इसमें e लगा रहता है, फिर cos को cosine, tan का जो फुल फॉर्म है tangent, और cosec का फुल फॉर्म है cosecant, sec का फुल फॉर्म है secant, और cot का फुल फॉर्म है cotangent, जिसका भी यदि उपयोग होगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप इसको समझिएगा कि cotangent का मतलब cot से है, secant का मतलब जो है sec से है, cosecant का मतलब cosec से, तो इस प्रकार उसको व्यक्त किया जाता है। और यहां पर यह भी समझ लीजिए कि इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा, क्योंकि आपको हमने बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, यानी उसका उल्टा होता है। अब आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। अब इसका एक्सरसाइज 8.1 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी संपूर्ण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, पहला में है साइन ए कॉमा कॉस ए और सेकेंड है साइन सी कॉस सी। तो आप यहां पर फिगर नहीं दिया है तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है और जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पर B को लिखना है, यानी इस प्रकार आपका ABC बनेगा। इसमें AB का मान दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर और इस BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो जो मान दिया गया है वहां पर त्रिभुज में उसके सापेक्ष उसको लिख देंगे। अब त्रिभुज में दो कोण यदि आप दो भुजाएं आपको दी गई हैं, तो सबसे पहले जो आपका अननोन साइड है, जो भुजा आपको नहीं दिया गया है, वो आपको ज्ञात करना है। और किस चीज से ज्ञात करते हैं, यह पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं। तो यहां पर समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी आपको निकालना है। एसी क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहां एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हुआ 576 प्लस 49 यानी रूट अंडर 625, जिसका वर्गमूल 25 आया। 25 आपको जब आ जाएगा तो आप यहां पे कर्ण के सामने इसको लिख दीजिएगा कि ये आपका 25 है। अब तीनों साइड आपको पता है, अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। ध्यान दें, ए कोण ये न्यून कोणों के बारे में चर्चा हो रही है, तो आपको एंगल देखना है कि किस एंगल के सापेक्ष साइन कॉस निकालना है, तो वो एंगल आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यहां ए कोण की बात हो रही है, तो साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले एंगल देखेंगे, दूसरा चीज देखेंगे कि इसका फॉर्मूला आपको जो याद कर लेना है, आज ही इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, और यहां पर इस कोण के लिए लंब और कर्ण क्या है वो देखना। इस कोण के लिए ठीक सामने की जो भुजा है वो लंब होगा, यानी कि यहां पर बीसी लंब है ए कोण के लिए, और कर्ण क्या होगा वो तो फिक्स है यानी कि एसी है, तो ये हुआ आपका लंब बटा कर्ण यानी इस कोण के लिए बीसी बटा एसी, और बीसी आपका 7 है और एसी आपका 25 है, तो उसका वैल्यू पुट कर दिया, यही अनुपात आपका साइन है। उसी तरह ए कोण के लिए कॉस ए निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो इस कोण के लिए ये आपका बीसी आपका लंब है, तो आधार क्या है ए बी है, तो ए बी आप बटा कर्ण तो फिक्स है एसी, तो ए बी का वैल्यू 24, एसी का वैल्यू 25। लेकिन जब इसका सेकेंड सवाल बनाएंगे तो अब आपको सी कोण को ध्यान में रखना है, और उसके लिए आपको साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो जब सी कोण की बात होगी तो आपका लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण आपका फिक्स्ड वही रहेगा, तो आप साइन सी बराबर फॉर्मूला वही लगेगा यानी लंब बटा कर्ण ही, लेकिन सी कोण के लिए अब लंब का मतलब हो जाएगा ए बी और कर्ण ए सी ही रहेगा, तो ए बी का वैल्यू 24 बटे कर्ण 25। अब कॉस सी जब निकालेंगे इस कोण के लिए, तो लंब ए बी था यानी आधार हो गया बी सी, तो कॉस सी बराबर बी सी बटा ए सी यानी आपका 7 बटा 25। इस प्रकार से आपको कोण के सापेक्ष लंब आधार कर्ण पहले पहचानिएगा, फिर फॉर्मूला को याद करके उस फॉर्मूला को लिखिएगा,
और उसके बाद उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो इस तरह के सवाल आपके बन जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखिए, यह क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको फिगर दिया गया है, यहां पर PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, Q पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और आपको एक साइड नहीं पता है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा, सबसे पहले अननोन साइड ज्ञात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण आपको पता है, इसलिए कोई भी दूसरा साइड निकालने के लिए कर्ण में से जो दिया गया साइड है उसको माइनस करेंगे, यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर करेंगे। तो PR आपका 13 था, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 169 माइनस 144 25, और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर जो आया QR, वो आप QR के सामने यहां पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो तीनों साइड है वो लिख दिया गया। अब आपको तीनों साइड पता चल गया, आपको जो निकालना है, निकालना है आपको मान tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले जो आपको निकालना रहेगा उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो tan p पहले निकालें, फिर cot r निकालें। tan p का मतलब हुआ, tan का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। p कोण की बात हो रही है, इस कोण के लिए लंब आपका होगा सामने QR, और आधार जो है यह कर्ण है, तो आधार शेष है आपका PQ, तो आपका 5/12 tan p होगा। और cot r, तो tan का उल्टा cot होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, लंब बटे आधार tan का था, तो इसका आधार बटे लंब होगा, लेकिन कोण आपका बदल गया, r कोण के लिए आपका यहां पर आधार बटे लंब है, तो इस कोण के लिए लंब होगा PQ, आधार होगा QR, तो आपको आधार बटे लंब लिखना है, यानी QR बटे PQ, और QR का वैल्यू है 5 और PQ का वैल्यू है 12, इसका वैल्यू पुट किया, तो आपको tan p माइनस cot r का मान जब निकालना होगा, तो बराबर tan p के मान भी 5/12, cot r का भी मान 5/12, जब माइनस करेंगे तो ये आपको 0 प्राप्त होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इसमें कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। इस तरह के सवाल में आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिना फिगर के इन सब सवालों को बना सकते हैं। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो आप इसके सामने साइन ए का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, जिसका फॉर्मूला है पी बाई एच, तो आपको पी क्या होगा और एच क्या होगा, तो ध्यान दे यह पी और एच का अनुपात है, न कि उसका सही सही मान है। इस सवाल में यदि पी बराबर 3 और एच बराबर 4 लिखते हैं, तब भी यह सवाल का आंसर उतना ही आएगा जितना हमको प्राप्त होता है, लेकिन पी बराबर 3 लिखना और एच बराबर 4 लिखना यह गलत होगा। इसलिए जब भी आप पी बराबर लिखेंगे तो 3 के यानी कोई कांस्टेंट लिखेंगे गुना में, और h बराबर भी कोई कांस्टेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि यदि कोई भाई बहन है और एक का उम्र आपको जो है 12 साल है और दूसरे का उम्र यदि 16 साल है, तो यदि उनका अनुपात पूछा जाए उम्र का, तो वो 12/16 होगा, जो कट के आपको 3/4, ये उनका अनुपात होगा उम्र का, 3/4 है। लेकिन यदि कोई कहे कि क्या उनका वास्तविक उम्र 3 साल और 4 साल है, तो ऐसा कहना गलत है। उसी प्रकार से यदि p बटा h बराबर 3/4 है, इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि p बराबर 3 है। इसलिए ऐसे सवालों में आप लिखेंगे p बराबर 3 के और h बराबर 4 के, इसको मानेंगे, कोई कांस्टेंट के साथ गुणा करेंगे, और p और h यानी दो साइड आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम है कि जो रिमेनिंग साइड है, जो बचा हुआ साइड है, यानी ph दिया है तो b बच गया, उसको ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, b निकालना है, यानी h छोड़ के कोई भी साइड निकालना होगा, तो h स्क्वायर में से बचे हुए साइड को घटाना होगा, यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये घट के आएगा 7k स्क्वायर, तो 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलने के कारण यह रूट में ही रहेगा, रूट 7, और k स्क्वायर से रूट में और स्क्वायर कटने पर यह k आ जाएगा। तो आपका तीनों साइड आपको पता चल गया। अब आपको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, तो cos a का फॉर्मूला होता है b / h,
और यहां पर बी का मान हमने निकाला रूट सेवन के, एच का मान था फोर के, ये के से के कैंसिल होगा तो रूट सेवन बाई फोर आएगा। उसी तरह टैन ए बराबर फॉर्मूला पहले लिखेंगे पी बाई बी और इसका वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 3k बटे b का वैल्यू रूट सेवन के से k कैंसिल होगा तो 3 बटा रूट सेवन। तो बच्चों इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज के और भी सवाल खुद से बना सकते हैं। आज जरूर आप खुद से जाके इसको बनाइए, इसके फॉर्मूला सबको याद कीजिए और जो आपको प्रॉब्लम होगा तो अगले क्लास में जब हम बनाएंगे तो आप उससे मिलाइएगा कि आपका बनाया हुआ सही है कि नहीं है। तो इसी के साथ आज का हम यह क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।